नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 28 और होली 29 मार्च सोमवार के दिन मनाई जाएगी। होली के 8 दिन पहले यानी 22 मार्च से होलिकास्ट लगाया जाएगा। होलिकास्ट के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रह्लाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद ईश्वर का भक्त था। उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठो। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रह्लाद बच गया। ईश्वर के भक्त प्रह्लाद की याद में इस दिन होलिका जलाई जाती है। ऐसा माना जाता है अगर इस दिन कुछ ज्योतिषी उपाय किया जाए तो रुपए पैसों की दिक्कत दूर होने के साथ ही दूसरी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे जीवन में आने वाली सभी दिक्कतें और पैसों की किल्लतें दूर होंगी। होलिका दहन के दिन आहुति देते समय अनाज का उपयोग करना अच्छा माना जाता है। इसलिए मक्के के दाने, उड़द, गेहूं, मसूर, चना, चावल या जौ में किसी एक चीज को चढ़ाएं। ऐसा करने से धन्य धान्य की वृद्धि होगी। होलिका दहन की पूजा करते समय व्यक्ति को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। इससे पूजा पाठ का दुगना फल मिलता है। होलिका दहन के दौरान गुड़, बतासे, कच्चा आम और गन्ना चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होलिका दहन से पहले 7 बार कच्चा सूत लपेटें। इसके बाद दहन के समय उसमें रोली, चंदन, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल और गुलाल डालें। ऐसा करने से आपको कामयाबी मिलेगी। लंबी आयु के लिए सिर से पैर तक काले धागे नापे। इसे 2 से 3 बार उसी लंबाई के बराबर लपेटकर तोड़ लें। अब इस धागे को होलिका दहन के समय डाल दें। इससे आपको बुरी नजर नहीं लगेगी, साथ ही उम्र भी लंबी होगी। होलिका के दिन 1.25 किलो चावल की खीर बनाकर कुष्ठ रोगियों को खिलाएं। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। होलिका दहन के समय 1 सूखे नारियल में चीनी और घी भरकर डाल दें। इस दौरान अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें। ऐसा करने से धन प्राप्ति में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। श्री सूक्त पाठ भी लाभदायक होता है, इसलिए होलिका दहन के समय 11 बार इसका पाठ करें। इससे धन की किल्लत दूर होगी। होलिका दहन की रात में अपने घर की उत्तर दिशा में 1 शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसे रात भर जलने दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मकता का नाश होगा। होलिका के दिन नाग केसर को होलिका में स्पर्श कर इसे चांदी की डिब्बी में भर लें। अब इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन की वृद्धि होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल सनातन प्रथा को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।